अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट अपडेट ये है कि होंडा BRV का सौदा हो चुका है, इसका बयाना हाथ में आ गया है और ये कल चली जाएगी। अच्छा, मैं इसको बेचने की कोशिश काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया। मैंने इसके एड ओलेक्स पे भी लगाए हुए थे और पार्क व्हील्स पे भी लगाए हुए थे, लेकिन काफ़ी टाइम लगा बिकने में। मतलब एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि एड एक्सपायर हो गया था और उसको रिन्यू करना पड़ा। अच्छा, मैं यहाँ दो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना चाहूँगा। पहली प्रॉब्लम ये कि ओलेक्स वाले आपको पुश करते हैं कि आप अपने एड को फीचर करवाएं। जैसे ही आप एड पोस्ट करेंगे, पोस्ट का बटन दबाएंगे, उनकी तरफ से एक लाहौर के नंबर से कॉल आएगी, खातून होंगी या वो आदमी होगा, और उनकी बस ज़िद ये होगी कि ऐड आपका बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे पैसों में लगाया हुआ है, आप इसको फीचर करवा लें, वरना ये ऐड विजिबल ही नहीं होगा। वो डायरेक्ट ये बात कर रहे होते हैं कि विजिबल ही नहीं होगा। मैं एक दो दफ़ा इस इनके झांसे में आ गया था और मैंने फ़ीचर करवा भी लिया। अच्छा, फ़ीचर करवाना ही मुश्किल है पहली बात। मतलब डायरेक्ट इजी पैसा से पेमेंट का कोई तरीका नहीं है। जैसे कैसे कर रहे थे तो हो ये रहा था कि एक दफ़ा आपने कर दिए तो वो हमारे पास से तो पैसे कट रहे थे, उनकी तरफ नहीं वो जा पा रहे थे, तो ये मसला था। अच्छा खैर, तो खुदाई चल रही है रोड पे। अच्छा खैर, ये करते हैं अपने ओलेक्स वाले आपको। मैंने फिर इस दफ़ा तो खैर मना कर दिया था उनको, मैंने कहा यार मुझे नहीं करवाना फ़ीचर, नहीं लगता, नहीं शो होता, कोई मसला नहीं है, ना हो तो। खैर, वो शायद उसको बहुत ज़्यादा नीचे पुश कर देते होंगे ऐड को और फीचर्स वालों को पढ़ाते रहते होंगे। चाहे वो BRV का अगर आप सर्च लगाएं भी, मेरे ख्याल से ये गाड़ी बहुत नीचे दिख रही होगी, उसके ऊपर कोई भी गाड़ी दिखा रहे होंगे मेरे ख्याल से, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। आप एक ऑनलाइन क्लासिफाइड चला रहे हैं, आप एड्स भी डिस्प्ले कर रहे हैं और उसके अलावा भी आप ऐसे ज़बरदस्ती लोगों से हथियाना चाह रहे हैं, ये गलत बात है। और अंदर का मैकेनिज्म भी ठीक नहीं है। ओलेक्स का ये मसला हो गया। फिर उसके बाद पार्क व्हील्स का मसला ये है कि पार्क व्हील्स लाहौर की तरफ और इस्लामाबाद की तरफ मेरा ख्याल है ज़्यादा उसके ऑपरेशंस अच्छे हैं और उसकी जो क्लाइंट बेस है, वो जो यूज़र्स हैं बेसिकली, वो आपके लाहौर इस्लामाबाद की तरफ पंजाब की तरफ ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे हैदराबाद से इतने अच्छे रिव्यूज़ उसके नहीं मिलते, और सॉरी, हैदराबाद से इतनी अच्छी कॉल्स नहीं आ पाती, ना ही कराची से आती हैं। ये एक उसका मसला हो गया पार्क व्हील्स का। खैर, उनकी तरफ से कभी कोई ये पुश नहीं किया जाता कि आप ऐड को फीचर करेंगे वो, जो कि अच्छी बात है। ये कर दिया। फिर उसके बाद हम सेकेंड इशू की तरफ आ जाते हैं, वो है होंडा BRV की रीसेल। वैसे तो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन मुल्क की ऐसी है कि कोई भी गाड़ी इस वक्त बेचना बहुत मुश्किल है और ख़रीदना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि 3 इनवॉइसेस चल रही हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी अभी प्राइसेस रिवाइज हुए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता 3-2 ही होंगी, लेकिन फिर भी आपको एक जो उसकी रियल वैल्यू पे गाड़ी नहीं मिलेगी अभी अगर आप ख़रीदने जाते हैं। बेचने जाते हैं तब भी यही मसला है कि निचोड़ना तो आपको सब चाहेंगे कि आप कम पैसों में दें, और आपको यही बताया जाएगा कि मार्केट बहुत ख़राब है और आप बेचना तो चाह रहे हैं लेकिन आपको आपकी मर्ज़ी के पैसे नहीं मिलेंगे, ये सब इन्फोर्स करेंगे आपको। लेकिन जब ख़रीदने जाते हैं बिल्कुल ही अलग कहानी होती है, वो आपको बहुत ऊपर के पैसों में मिल रही है, जो नई प्राइसेस हैं उनके करीब मिल रही है, और जब आप बेचने जा रहे होते हैं तो जो पुरानी प्राइसेस थी उन पे बिक रही है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइम्स हैं। लेकिन उसके बावजूद भी होंडा BRV की रीसेल ख़राब है, और सोने पे सुहागा हमारी जो ये लाडो है वो मैनुअल है, तो मैनुअल गाड़ी तो आपको पता ही है, मैनुअल गाड़ी का ट्रेंड पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है, और अब मुझे लगता है कि सिर्फ ऑल्टो VXR जो मैनुअल आती है वही मैनुअल लोग ले लेते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। बाकी कोई लॉजिकली सही भी है कि हाँ, अब ऑटोमेटिक की तरफ ही दुनिया शिफ्ट हो रही है, पर मैनुअल गाड़ी को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जा रहा। तो ये वजूहात थी होंडा BRV की मार्केट स्लो होने के, मेरी वाली BRV की मार्केट स्लो होने के, लेकिन साथ साथ शीशा गंदा हो रहा है। ओ यार, पानी नहीं है। अच्छा खैर, शीशा तो साफ हो ही गया। अच्छा, ये दो वजूहत और ये दो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी हैं।
लेकिन यार 1.5 महीने में बिक रही है गाड़ी। पर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि पुरानी प्राइसेस पे बिक रही है, नई प्राइसेस पे नहीं बिक रही है। ये आप गलतफहमी में ना रहेगा कि अगर आपके पास गाड़ी अभी है और आप बेच रहे हैं तो वो आपको एक आपके लिए गोल्ड माइन है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएगी, इस गलतफहमी में ना रहें, ठीक है। इसकी तो मार्केट ही स्लो है, इसकी तो रीसेल ही कम है, लेकिन फिर भी कोई और गाड़ी भी होगी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट दे के जाएगी। BRV के साथ मेरा कोई बहुत ख़राब एक्सपीरियंस नहीं रहा है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 7 सीटर आपको एक MPV मिल रही है और काफ़ी रिजनेबल पैसों में मिल रही है। आपके जब ये ओवरऑल गाड़ियाँ सस्ती थी तब भी ये बहुत अच्छे पैसों में अच्छी वैल्यू थी ये। और अच्छा, इसके जो होंडा ने अपना परसेप्शन चेंज किया है इस गाड़ी से वो ये कि ये कच्चे पक्के रास्तों में भी चलती है, ये इसकी सस्पेंशन पुरानी वाली सिटी से और पुरानी वाली सिविक से बेहतर थी, और दूसरी बात ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बेहतर है, मतलब करोला शरोला सबसे बहुत बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस है। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ इसमें 7 बंदे 8 बंदे बैठे हुए हों, बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर पे, खड्डे पे, हर जगह कभी नहीं लगी, कभी नहीं लगी, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। उसके बावजूद भी मतलब ये कोई बहुत बहुत ज़्यादा कोई ऊंची गाड़ी नहीं है, मतलब SUV लेवल की गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी नहीं लगी। और इसके अलावा रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं, ये बिल्कुल बेसिक गाड़ी है इसमें, और ड्राइव इसकी ठीक है, अच्छी है, आपको बहुत ज़्यादा टफ इसकी और मतलब हार्ड इसकी ड्राइव नहीं है। काफ़ी इसके फ़वाद हैं, इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल है जो कि रात को नहीं दिखते, लाइट जलाने पे आपको शायद दिख जाए, और तो काफ़ी सारी अच्छी फीचर्स हैं इसमें।